कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होती हैं, और पंखों से कुछ नहीं होता है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। कुछ इसी तरह का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि आधारित है हौसले और जज्बे पर। इस चैप्टर में बिहार की लड़कियों के हौसले और जज्बे को दिखाया गया है कि किस तरह उन्होंने हौसले की उड़ान भरी है और अपने सफलता को प्राप्त किया है। समाज की रूढ़िवादी जितनी भी नीतियाँ होती उन पर प्रहार किया है। बिहार की लड़कियों को, मतलब बिहार का जो समाज है, कहीं कहीं का सिस्टम, कहीं गाँव देहात में जो है ना, समाज का रूढ़िवादी ऐसे नीति होता है जो कि लड़कियों पर बंदिश लगाता रहता है। तो किस तरह लड़कियों ने, कुछ ऐसी लड़कियाँ हुई बिहार की जिन्होंने इस समाज की बंदिशों को तोड़ा और हौसले की उड़ान भरी और अपने सफलता को प्राप्त किया, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग। ठीक, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 10th क्लास के अहिंदी का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम ही है हौसले की उड़ान। किस तरह बिहार की लड़कियों ने हौसले की उड़ान भरी और समाज की रूढ़िवादी नीति पर प्रहार की, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और अपने आप को उस गांव के लिए, उस जिला के लिए मिसाल बना ली। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लड़की की बात कर लें। नोखा प्रखंड के रोहतास की एक लड़की है जिनका नाम है गुड़िया। क्या नाम है? गुड़िया। और इनके पिता का नाम है मोहम्मद असीन इदरीसी। तो ये जो गुड़िया है, इनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी। मतलब ये चाहती, मतलब ये सोच ली थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी। इनका लक्ष्य था क्या बनने का? टीचर बनने का, शिक्षक बनने का। ठीक है, लेकिन इनके जो पिता थे, इनके घर वाले और गांव वाले, समाज था, ये पढ़ने पर रोक लगा रहा था इनको। मतलब कहीं भी किसी भी तरह से गुड़िया को सपोर्ट नहीं मिल रहा था पढ़ाई करने के लिए। तो एक दिन गुड़िया क्या की, अपने पिता मोहम्मद असीन और माँ समेत सभी लोगों को घर में क्या कर दी, बंद कर दी। और गुड़िया क्या की, 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंचकर अपना वहां पर क्या की, नामांकन करवाई, यानी कि एडमिशन करवा ली और वहीं पर रहकर पढ़ना शुरू कर दी। जब ये बात मोहम्मद असीन इदरीसी यानी कि गुड़िया के पिता को मालूम चला तो वो कहां पहुंच गए, उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गए और जाकर गुड़िया से रिक्वेस्ट करने लगे कि चलो अब घर चलो, तुमको पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन गुड़िया अपने बात पर अचल और अटल रही, वो साफ इनकार कर दी घर जाने से। फिर अंत में पिता को हार मानना पड़ा, वो घर आ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो उत्प्रेरण केंद्र था ये बंद हो गया। लेकिन फिर भी गुड़िया हार नहीं मानी, गांव के स्कूल में जाकर उसने अपना नामांकन कराया और अपना पढ़ाई जारी रखी। और ये क्या बनना चाहती थी, तो शिक्षक बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये जानती थी कि मेरे जैसे ऐसे हजारों लड़कियाँ हैं जो समाज की बंदिशों में बंधी है, तो ये शिक्षक बनकर उन सभी लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी जो घर से बाहर नहीं निकल सकती और वो समाज की बंदिशों में बंधी है। ठीक, और इनका ये सपना पूरा भी हुआ, ये अपना लक्ष्य को प्राप्त की, ये शिक्षक बन गई और अपने गांव की सभी लड़कियों को पढ़ाने में ये सफल भी रही और आज ये गांव के लिए एक मिसाल बन गई है। तो ये थी गुड़िया। आगे भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने हौसले की उड़ान भरी है। देखिए, कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथई गाँव की सोनी पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त की। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथई गांव की लड़की, क्या नाम है, सोनी। सोनी नाम की ये जो लड़की है, ये पूरे ज़िला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता, दौड़ की प्रतियोगिता होती है, इन्होंने 400 और 16 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। और ये बात सुनकर उनके जो पिता हैं विष्णु शंकर तिवारी, इनको तो खुशी से ये फूले ही नहीं जा रहे थे, ये बहुत ज़्यादा खुश थे। देखिए, जो बेटी होती है वो जब नाम रोशन करती है तो पिता का जो है ना, क्या बोलते हैं, उनका शान मान सब कुछ बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, विष्णु शंकर तिवारी, ये खुशी से फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि इनकी बेटी जो थी वो पूरे ज़िला में पहला रैंक लाई थी दौड़ प्रतियोगिता में, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। ठीक है, और उसके बाद से सोनी को और भी ज़्यादा मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा मिली आगे राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर खेलने की। और उन्होंने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता यानी कि स्टेट लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग ली और प्रतिभागी बनकर जमालपुर गई। ठीक है, और वहाँ पर भी पहला स्थान प्राप्त की, यानी कि ये स्टेट लेवल पर भी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग ली और वहाँ पर भी ये फर्स्ट रैंक पर आई। ये बात सुनकर इनके पिता और भी ज़्यादा खुश हो गए और फिर इनके पिता और भी ज़्यादा मोटिवेट किए अपनी बेटी को और अब इन अपनी बेटी को ये राष्ट्र स्तर पर खिलाने लेकर चले गए, राष्ट्र कंट्री लेवल पर। ठीक है, ये भी स्टेट लेवल पर ही हो रहा था, अब ये मतलब राष्ट्र स्तर पर खेलने चली गई। और जब ये राष्ट्र स्तर पर खेली तो वहाँ पर ये चौथा रैंक प्राप्त की और इनका अभी भी कोशिश जारी है। इनको लगता है, सोनी को, कि ये
एक ना एक दिन जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर पहला रैंक ज़रूर प्राप्त करेंगी। तो ये थी सोनी नाम की लड़की। आगे बढ़िए गणेशपुर। देखिए यहाँ पर जो सोनी थी ये अपने हिम्मत हौसले से और अपने मेहनत से अपने पिता को ये विश्वास दिलाया कि ये कुछ कर सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने परिवार वाले को, अपने माता पिता को विश्वास दिलाना कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं मतलब जैसे कि वो सिर्फ बोलती हैं कि मुझे पढ़ने का मन है, पढ़ने का मन है। मतलब पढ़ने का मन है तो विश्वास दिलाओ कि तुम पढ़ सकती हो, कुछ पढ़ के कुछ कर सकती हो, ठीक है ना। मतलब मैं कितने लड़कियों को देखी हूँ, वो बोलती हूँ कि मुझे पढ़ने का मन है लेकिन मुझे घर वाले पढ़ाते ही नहीं हैं। भाई कैसे पढ़ाएंगे जबकि आप पर उनका विश्वास ही नहीं है। विश्वास दिलाइए सबसे पहले, कुछ करके दिखाइए जिससे आपके परिवार वालों को आप पर विश्वास हो, ठीक है। तभी जो है ना आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर सोनी सबसे पहले जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल कर पहला रैंक प्राप्त करके अपने पिता को विश्वास दिलाई कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक। तब ना उनके पिता और ज़्यादा उन्हें अपनी बेटी को मोटिवेट करने लगे, अपने बेटी को सपोर्ट करने लगे और स्टेट लेवल पर मतलब एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनाया, ठीक। तो इसी तरह सभी लड़कियों को होना चाहिए कि वो सबसे पहले कुछ करके, ठीक है, अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को विश्वास दिलाए कि हाँ वो कुछ पढ़ कर लिख कर कुछ बन सकती हैं। पहले विश्वास दिलाना ज़रूरी होता है, तभी घर के लोगों का सपोर्ट मिलता है, ठीक। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। चलिए आगे बढ़िए गणेशपुर। गणेशपुर मुशहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला की कदम नरेगा नाम की ये लड़की रहती है, जो कि कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों की जुलूस की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई। देखिए गणेशपुर मुशहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड और मुंगेर जिला की एक लड़की है कदम नरेगा। क्या नाम है? कदम नरेगा। उन्होंने कार्यस्थल के जो ठेकेदार हैं उनके सामने बच्चों के जुलूस के साथ वो नेत्री के रूप में, मतलब वो ये जो स्कूल था बाल संसद का वो प्रधानमंत्री थी कदम नरेगा, आगे जाकर प्रधानमंत्री बन गई बाल संसद की, पूरे इंडिया की नहीं मैं बोल रही हूँ, बाल बच्चों की, ठीक है। तो वो प्रधानमंत्री बन गई और उन्होंने कार्यस्थल के ठेकेदार को क्या कर दिया, बच्चों के साथ जाकर उन्हें ठेकेदार के सामने, ये ठेकेदार को साफ साफ बोल दिया कि देखो तुम्हारे कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा काम करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ठीक। डायरेक्ट इन्होंने चुनौती दे दी कदम नरेगा ने, ठीक। और इनका मतलब एक बोल सकते हैं लक्ष्य था डॉक्टर बनना, ये डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, ये सारी चीज़ें थी। इनके पिता का नाम था जितेंद्र मांझी और शांति देवी। इन दोनों को जो है ना अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गर्व था। इनकी बेटी आगे जाकर जो है ना बाल संसद की, यानी कि इस स्कूल की, स्कूल का जो जितने भी बच्चे थे बाल संसद की प्रधानमंत्री बन गई थी। तो इनके माता पिता का और भी ज़्यादा मान शान बढ़ गया था। तो इनके माता पिता का अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गर्व था, तो कदम नरेगा ये काम की। देखिए डायरेक्ट जाकर ठेकेदार को चुनौती देना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ठेकेदार कुछ भी करवा सकता है, आखिर ये कदम नरेगा लड़की ही है तो कुछ भी करवा सकता है। लेकिन फिर भी ये सारी बातों को उन्होंने नहीं सोचा और सिर्फ बच्चों के लिए उन्होंने डायरेक्ट चुनौती दी ठेकेदार को, ठीक। आगे बढ़िए मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 साल के हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान खान, उनको अपनी पोती जैनब खानम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। देखिए जैनब खानम के साथ क्या हुआ, जैनब खानम, क्या नाम है लड़की का, जैनब खानम, ठीक। तो इनके पिता का नाम है मोहम्मद मंसूर खान और माता का नाम है फूल बीवी। इनके जो माता और पिता हैं वो जैनब की पढ़ाई 3 दर्जे यानी कि तीसरी क्लास तक पढ़ाकर उसके बाद छुड़वा दी थी, 3 दर्जे के बाद छुड़ा दी जैनब खानम की पढ़ाई। लेकिन जैनब खानम चुप नहीं बैठी। जैनब खानम अजीब नाम है तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है प्रोनाउंसिएशन में, जैनब खानम, ठीक है, वो चुप नहीं बैठी। गांव में एक जगजगी केंद्र खुला, लेकिन गांव में जगजगी केंद्र खुलने पर मार खाने के बावजूद शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी जैनब खानम जो है ना, वो देखी कि गांव में जगजगी केंद्र सेंटर खुल गया है तो वो मार खाने के बावजूद भी, माता पिता के मार खाने के बावजूद भी वो स्कूल जाने लगी। और अब वह
क्या है, बीए में पढ़ रही हैं, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही हैं। महिला शिक्षण केंद्र में जैनब खानब लड़कियों को क्या कर रही हैं, शिक्षित भी कर रही हैं और ये बीए भी कर रही हैं। उसके साथ साथ इनको ब्लू बेल्ट भी मिला है। क्या मिला है, ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। जैनब खानम को कराटे भी आता है और कराटे में इनको क्या मिला है, ब्लू बेल्ट। और ब्लू बेल्ट प्राप्त करके इन्होंने क्या किया है, लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है, कराटे भी सिखा रही हैं। तो ये थी कुछ लड़कियां बिहार की जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान भरी और जो वो बनना चाहती थी अपने सफलता को प्राप्त की। तो अंत में मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि आप ज़िंदगी में चाहे सब कुछ हार जाइए लेकिन हौसला, हिम्मत और कोशिश करना कभी नहीं हारना है। और कहा भी गया है कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। आप अपनी ज़िंदगी में चाहे सब कुछ हार जाइएगा लेकिन हौसला, हिम्मत और जीतने की उम्मीद कभी नहीं हारना है। हमेशा कोशिश करते रहना है और ये उम्मीद रखना है कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर जीतूँगा या फिर जीतूँगी। ठीक है, तो ये थी बात, पूरा हो गया आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट। ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 18। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद से आप लोगों को सबसे ज़्यादा शेयर करना है अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।